वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई एग्जाम तक में। दोस्तों, जहां एक तरफ छात्र ये सोच रहे हैं कि हम जो है यूपी में आने वाली आईटीआई अनुदेशक भर्ती में शामिल हो, वहीं एक न्यूज आ रही है, यहां पर देख सकते हैं, जो पॉलिटेक्निक अनुदेशक भर्ती 1370 पदों पर जो है वैकेंसी निकाली गई थी और इसका ऑनलाइन फॉर्म भी जो है फिलअप हो चुका था। लेकिन जो है यहाँ पर आज की बड़ी न्यूज आ चुकी है, इस भर्ती को यहाँ पर जो है निरस्त कर दिया गया है प्रावधिक शिक्षा विभाग में, जो यानी कि जो पॉलिटेक्निक में जो है शिक्षकों की भर्ती होने वाली थी 1370 पदों पर, जो है इस भर्ती को जो है निरस्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ी न्यूज आ रही है, यहाँ पर आज की पेपर में भी इसका न्यूज यहाँ पर छापा गया है। तो चलिए न्यूज़ दिखा देते हैं आप सभी को। तो यहाँ पर देखिए, प्रावधिक शिक्षा विभाग में 1370 पदों की भर्ती निरस्त, यहाँ पर दिया गया है। नियम में बदलाव होने पर जो है लोक सेवा आयोग ने लिया बड़ा फैसला। इसको जो है लोक सेवा आयोग इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने वाले थे। तो यहाँ पर देखिए, नया विज्ञापन जो है जल्द ही जारी किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, नया विज्ञापन जो है जल्द ही जारी होगा। इसमें जो है दिया गया है, प्रयागराज की न्यूज है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रावधिक शिक्षा विभाग डिप्लोमा सेक्टर के अंतर्गत राज्य की पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रधानाचार्य व प्रवक्ता की 1370 पदों की भर्ती जो है निरस्त कर दी है। इस भर्ती का विज्ञापन जो है 2017-18 में जारी किया गया था। इस भर्ती के लिए जो है 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इधर ऑल इंडिया काउंसिलिंग ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नियमावली में जो है बदलाव कर दिया गया, इसी के चलते यहाँ पर जो है ये भर्ती यहाँ पर निरस्त हुई है। अब जो है नया विज्ञापन जारी करेंगे, उसके बाद फिर से ऑनलाइन फॉर्म जो है स्टार्ट होगा। तो जो लोग यहाँ पर फॉर्म नहीं भर पाए हैं थे, उनके लिए तो काफ़ी अच्छी खबर है, और जो यहाँ पर भरे थे उनके लिए जो है फिर से फीस देना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिया गया इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, तो यहाँ पर प्रदेश के 16 जिलों में जो है 11 से 12 बजे तक जो है परीक्षा आयोजित होगी। यहाँ पर अलग से जीआईसी प्रवक्ता की यह न्यूज है। तो यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं, विज्ञापन भर्ती जो है भर्ती का विज्ञापन निकलवाने का निर्देश दिया गया है। मंगलवार को आयोग ने भर्ती जो है निरस्त कर दिया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अब जो है नई इसका नोटिफिकेशन अलग से जारी किया जाएगा, तब जो है फिर से यहाँ पर भर्ती की जाएगी। तो अभी के लिए यही अपडेट है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।